चढ़ नहीं पाती हूँ, पर मैं फिर भी उन्हें जिंदगी में आके जिंदगी रीश भट्ट एंड फैमिली व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई बड़े नए व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, रात को हम सोए थे 4 बजे, आपको कल के व्लॉग में दिखाई दिया था, बहुत ज्यादा थके हारे थे हम। बेबे आपको याद है, आपको पता है, आप मोबाइल चलाते चलाते ही सो गए थे, पता है। इधर से नन्नू का मोबाइल पड़ा, इधर से आपका मोबाइल पड़ा, दोनों ऐसे सो गए थके हारे। थके बहुत ज्यादा थे ना हम, आपसे आने से पहले ही सोया, आपकी बैट कर करके 2:30 बजे। अच्छा। और इस चक्कर में गेट भी खुला रहेगा, आज तुम चाबी लेके जाना साथ में। ओके, जब मर्जी अपना खोल लेना। ओके, और ये बताओ कैसा रहा आपका वहाँ पे सफर? अच्छा रहा। क्या हुआ वहाँ पे, कैसी भीड़ भूड़ थी? बहुत ज्यादा। अच्छा। बहुत संगत आई हुई थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। बैसाखी का दिन था तो आनंदपुर साहिब तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है, गुरुद्वारों में भीड़ होती है, वो तो फिर भी आनंदपुर साहिब गए थे। जगह ही नहीं मिली वहाँ पे आनंदपुर साहिब तो। अच्छा, मत्था टेक लिया था कि नहीं? नहीं, मत्था नहीं, आनंदपुर साहिब नहीं टेका गया, क्योंकि अंदर ही नहीं घुसने दिया पुलिस वालों ने, इतनी भीड़ थी। भीड़ होती है। हम और गुरुद्वारे में गए थे जहाँ पापा पाठ करने जाते हैं। अच्छा। फिर वहाँ पे उन्होंने जब पहचाना कि ये तो हमारे ही बंदे हैं, फिर उन्होंने कहा कि सो जाओ यहाँ पे। अच्छा। सब जगह चाय पकौड़े का लंगर, कड़ी और रोटी, यानी ऐसे लंगर था, सभी जगह तकरीबन कड़ी बनी हुई थी और पकौड़े बने हुए थे। अच्छा। तो ठीक ठाक रहा ना? काफी जगह देखा है, एक जगह मैं गई हूँ वहाँ पे ना, बोली साहब है। हाँ। बहुत नीचे उतर, हाँ, नीचे उतर, हम भी गए बहुत नीचे है। वहाँ थोड़ा सा पानी है नीचे जाके। हाँ, तो फिर वहाँ से लाई हूँ मैं जल। अच्छा, जल लाई हूँ और फिर वहाँ से चढ़े, फिर मैं पौड़ियाँ गिनती चढ़ी। हाँ। वैसे मैं चढ़ नहीं पाती हूँ, पर मैं फिर भी होली 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 चढ़ के पौड़ियाँ गिनते गिनते चढ़ी। अच्छा। और जब हम बिछोड़ा साहब गए तो वहाँ सीढ़ियाँ चढ़ने के टाइम पे मुझे 2 मिनट रुक के सांस लेनी पड़ी, फिर चढ़ी। कितनी पौड़ियाँ थी फिर? 131 पौड़ियाँ सीढ़ियाँ, मतलब पंजाबी में पौड़ियाँ बोलते हैं। तो वो नीचे जैसे पुराने टाइम के समय के खूह टाइप होते थे, बौली बोलते हैं इसको, सीढ़ियों से उतरते उतरते नीचे पानी होता था। हाँ। पहले पानी ऊपर तक आता होगा। हाँ। अब तो पता नहीं पानी ऊपर तक आता होगा नहीं, इन्होंने तो मोटर से खींचा हुआ है ना। हाँ। ये मोटर से खींचते हैं पानी अंदर से। हाँ। तो इनका सफर अच्छा रहा, हम तो यहाँ पे लगे पड़े, हम तो मेरा बहुत ज्यादा दिल लग कहीं जाने का है। प्रभु आपका है, अब तो आप 1.5-2 साल बाद ही जाओगे कहीं, है ना? 2 महीने तो भूल ही जाओ बेबी के बाद, तो 3 महीने। तो क्या कर रहे हो, तैयार हो गए हो? ये कुर्ता किसका पहना है आपने? मम्मी का। बेबे का? सारे कपड़े मम्मी के पहनती हूँ। हाँ, बेबे के कपड़े प्रभु को बिल्कुल सही आते हैं। तो तैयार हो गए हैं, अब जाने का टाइम हो गया है, चलो उठो, अब लेट हो रहे हैं। ये क्या बना है? ओए, ये क्या? अच्छा, भाव जम गई। लो जी, ये देखिए तड़के वाले चावल बन गए हैं, यही ले भी जाएंगे साथ में हम। हाँ, मैंने भी कभी बनाया ना कि ले भी जाना और खा भी जाना। हाँ। थोड़ा सा डाल दे प्लेट में। डाल दो। हाँ। बहुत भूख लग रही है। आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा दोस्तों। तो ये देखिए बेबी की बनाई हुई डिश, बेबी की बनाई हुई चीजें बहुत कमाल की होती है। और जो नॉनवेज खाते हैं ना, नॉनवेज इसके सामने कुछ भी नहीं। ये हमारा जो, ये इसको क्या बोलते हैं बेबे, क्या बोलते हैं? हाँ, सोयाबीन की बड़ियों के सामने। ओहो, तो बेटा बेटा हमारा देखो थक के सोया हुआ है। ओ बच्चू, कितू प्यारा बच्चू है हमारा। आज तो बेबे आ गई है, आज पड़ोसियों के घर नहीं जाना है, है ना? है ना? ओ काके। प्रभु कोई रील का आइडिया बता दो, रील बना ले, इतने दिन होगी है रील ही नहीं बना रहे हैं, रेल बन रही है। इवेंट के बाद क्या आइडिया आएगा? जो भी आएगा। अच्छा। चलो गाना गा दो फिर आज, एक आज आप एक गाना सुना दो सभी को, आज आप टैलेंट दिखा दो गाना गाने का। मंगल मंगल मंगल। जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका नहीं गाना, कोई और गाना गा दो सिचुएशन के ऊपर कुछ। कोई गाना मैं गाऊं पहले आपके लिए, फिर आप इतने में सोच के साथ साथ, ठीक है? आपकी खातिर
मेरे दिल का जहां है हाजिर, अपने सारे अरमां, अपने सारे अरमां कर दूं मैं जाहिर, कर दूं मैं जाहिर। कभी कभी तो होती है यहाँ मुकम्मल लाश की, कई करवटे लेगी ये जिंदगी बदलना नजर आपकी। कभी कभी तो होती है यहाँ मुकम्मल लाश की, कई करवटे लेगी ये जिंदगी बदलना नजर आपकी। आपकी बाहों में अब तो इतना याद हो गया, बहुत है। आप सुनाओ। अब मुझे इतना ज्यादा नहीं आता। हाँ। मुझे एक दो लाइन ही आती है। बेबे देख लो, अलग रोमांटिक सीन बना रहे हैं यहाँ पे। ये तब करना जब काका आ जाएगा, काका काका काकी जो भी आएगा। चलो। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। आता इतना ही है मुझे बस। टोई टोई टोई। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। चांदनी जब तक रात देता है हर कोई सा, पर तुम अंधेरों में ना छोड़ना मेरा। टू 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 टू। अनुपमा। मैं तो कब से बोल रहा हूँ अनुपमा के बारे में, अब तो और ज्यादा मीम्स बनने लग गए हैं। अब आ रहा है तीसरा बकरा। और क्या क्या देखा, दोनों हस्बैंड बैठे आपस में, पुराने एक्स हस्बैंड्स बैठे आपस में बातें कर रहे हैं, तेरी क्या कमी थी, तेरी क्या कमी थी। ये मैंने मीम में देखा, रील्स में। मैं तो ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। जब भी उसने मूव ऑन करना होता है वो कोई और देख। अनुपमा ऑफेंड मत हो जाना, जो अनुपमा के फैन है आपके, मतलब कि फैन हो गए, आपको अच्छा लगता होगा सीरियल सीरियल, जैसे हम भी, हमारे भी कई फैन होंगे, हमें भी कई नफरत करते होंगे, उसी तरह हमको सब बड़े महान है। मगर मजे वाली बात है, अनुपमा हस्बैंड बहुत रिलेट कर रहे होंगे जिनकी घरवालियां ये देखती हैं, क्योंकि मेरी घरवाली भी बहुत देखती थी। अब बोल बोल के हटवा दिया मैंने देखने से। अब देखते हो? कभी कभी देखती हूँ। कभी कभी देखते हो? बिल्कुल फ्री बैठे हो ना कुछ तो। आजकल चल क्या रहा है उसमें? पता नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ ना, मैंने मीम्स में, रील्स में यही देखा है कि तीसरा बॉस आ गया है, अनुपमा वहाँ पे जॉब करने लग गया और बुढ़ी हो रही है। हाँ हाँ, हर मालिक को सेट हो जाता है अनुपमा। और अमेरिका दिखाते हैं, अमेरिका में बाहर की गलियां गुलियां कुछ सड़कें दिखाते नहीं है, वो रेस्टोरेंट जैसे ऐसे ऐसे चीट साइकिल करके ऐसा दिखाते रहते हैं ना। चलो बढ़िया है, एंटरटेन हो रहे हैं। बाकी कपिल शर्मा शो देखता होता हूँ मैं आजकल कभी कभी नेटफ्लिक्स पे, आजकल तो टाइम ही नहीं मिल रहा, एक ही शो एक ही एपिसोड देखा था। और उसमें फिल्म भी आई हुई है चमकीला, वो भी देखनी है, बहुत सारे लोग प्रेज कर रहे हैं। जैसे फ्री होंगे हम 18 के बाद फिर हम पक्का देखेंगे, है ना। चलो जी अब करते हैं खाना, खाते हैं नाश्ता करते हैं। तो जी हमारे लिए नाश्ता पूरा तैयार हो गया है, सुबह सुबह खाएंगे चावल, ब्रंच हो गया, लंच और नाश्ता एक साथ। और ये देखिए इत्तू से थोड़े से पकौड़े हैं हमारे पास, चटनी भी है, हम पूरे मजे लेके खाना खाने वाले हैं। थैंक यू बेबे, थैंक यू सो मच। चलो खाइए दोस्तों। यूनिवर्सिटी पहुँच गए हैं और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, आज संडे का दिन है। और आज ना केरला वालों का एक फेस्टिवल है, जैसे 13 तारीख को हमारा था, आज 14 है ना। हाँ,
तो 13 को वैसाखी थी कल, और आज केरला वालों का कोई फेस्टिवल है, विशु फेस्टिवल कहते हैं, शायद विष्णु जी की पूजा करते होंगे, मेरे को यही लग रहा है। और कह रहे थे कि न्यू ईयर होता है उनका केरला वालों का उस साइड, तो सभी को अगर कोई साउथ वाला हमें देख रहा है केरला साइड, हमारे स्टूडेंट्स ही देखेंगे, तो उनको हैप्पी विशु। तो अभी हम जाने लगे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज आला, छत्रपति शिवाजी महाराज आला। स्पेशल अपने बच्चों के लिए मैं इतना केक लाया हूँ। सर कितना सोचते हैं हमारे लिए? चावल बन गया है। उल्ली का मैनेजर
तो सारा कंटेंट निकल। हमारे भाई पुली का बर्थडे है और पुली बहुत मतलब कि पुराना स्टूडेंट अखिल के क्लासमेट, मैंने पहले बताया आपको अखिल का क्लासमेट ही था वो, साथ में थे ये ग्रुप अखिल राजेश और अब तो गंदा हो गया था। और फिर ना अभी आया हुआ है वो स्पेशल जॉब छोड़ के अपनी छुट्टी लेके वन इंडिया के लिए यहाँ पे आया हुआ है, तो बहुत प्यारा इंसान है, उसका बर्थडे मनाया। और अविरल मेरे को वैसे बहुत प्यारा है, वो देखो कंतारा बन के घूम अगर ये कहीं किसी को दिख जाए भूत लग रहे भूत तो दिखा दे। हैप्पी बर्थडे गाइस। तो कैसा लग रहा है बर्थडे मना के दूसरे का? क्यों नहीं मनाना चाहिए? अपना नाम बताओ, क्या है तुम्हारा नाम? मेरा नाम वैभव है। वैभव है, वैभव और कहाँ से हो आप? मैं हूँ बिहार से। अच्छा, मेरे साथ कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। तो कैसा लगा मुंह पे केक लगा अभी? आशीर्वाद ही मिला और क्या। लव यू बेटा, लव यू, गॉड ब्लेस यू। और ये अच्छे से देख इस इंसान को। ये मैं इनका मेकअप कर रहा हूँ ना, कंतारा का ऑडिशन होना है अभी। इस भाई का बर्थडे था पुली का, ये देखो मेरा तीसरा शिकार, ये दूसरा शिकार, ये पहला शिकार, नहीं ये पहला अविरल, दूसरा ये, तीसरा ये चौथा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो, ये ब्लॉग यहीं तक का था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।